नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10th और 12th के एग्ज़ाम 5 और 6 तारीख से चालू हो रहे हैं। इस बार आपको जो आंसर शीट मिलने वाली है वो 32 पेज की होगी और उसमें आगे आपको OMR शीट भरनी होगी। उस OMR शीट को आपको किस तरह भरना होगा, आइए हमारे साथ में जानिए। आपको मिलने वाली OMR शीट कुछ इस तरह से दिखेगी। इसमें लेफ्ट की तरफ आप जब सबसे टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है। ये जहाँ पर एरो है वहाँ पर आपको क्या भरना है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट भरना है। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट है हिंदी, तो यहाँ पर आप भरेंगे हिंदी। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे विषय कोड भरना है। तो विषय कोड भरने के लिए विषय कोड को आप किस तरह से भरेंगे, देखिए यहाँ पर 3 दिए हुए हैं कॉलम। जैसे 10th हिंदी का विषय कोड है 401, तो यहाँ पर इस तरह से आप कोड लिख देंगे 401। फिर आपको भरना है डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम में यहाँ पर आप इस तरह से भरेंगे 05/02/24, ठीक है। यहाँ पर आंसरिंग का मीडियम मतलब किस लैंग्वेज में आप आंसर देंगे वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद इसके नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेट भरने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेट भरेंगे। आपको ये मैं बता दूँ कि MP बोर्ड ने इस बार 4 सेट में पेपर बनाया है। आपको जो पेपर मिलेगा 4 सेट में मिलेगा, ABCD। तो आपके प्रश्न पत्र पर जो सेट लिखा होगा वही सेट आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको करनी है नाम की एंट्री। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए एक अमित सिंह का नाम भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर अमित सिंह। तो अमित सिंह के नाम में सबसे पहले ए आता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, पूरा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, आप स्मॉल लेटर्स यूज़ ना करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये नाम है अमित सिंह, तो हर एक ब्लॉक में आपको एक लेटर लिखना होगा। जैसे ही आप लेटर लिखेंगे ब्लॉक में, उसके नीचे वाले ब्लॉक नीचे उस अल्फ़ाबेट को आपको सर्कल भी करना होगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ए। फिर यहाँ पर एम है, तो एम को सर्कल किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आई, तो आई के नीचे आई को सर्कल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी लेटर को लिख रहे हैं ऊपर नीचे उस लेटर को ब्लैक करना है, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखें कि नाम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, खाली छोड़ना है।
गोले को काला किस तरीके से करना है वो भी देख लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तरीका है ये सही तरीका है, नीचे गलत तरीका भी बताया गया है कि इनमें से किसी तरीके से आप गलत हो जाएगा अगर आप करते हैं तो। इसके नीचे बगल में अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया है, तो रोल नंबर में हर एक ब्लॉक में एक डिजिट लिखना है और नीचे उसी डिजिट को ब्लैक करना है, इसका ध्यान रखें। इसके ठीक नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीडियम दिया हुआ है, इसमें एच ई या यू, हिंदी इंग्लिश या उर्दू जो आपका मीडियम है, जिस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको भरना है। इंग्लिश मीडियम वाले ये बीच में जैसा किया हुआ है सर्कल उसे सर्कल करें, हिंदी मीडियम वाले इसे सर्कल करें। फिर ध्यान दीजिए इसके नीचे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट कोड जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी का 401 है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड भरना है और जो नंबर लिख रहे हैं उसी के नीचे वो नंबर ब्लैक करना है। साथ में यहाँ पर देखिए अगले वाले में आपको सेंटर कोड भरना है, सेंटर कोड आपको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र पे लिखा मिलेगा। नाम के ठीक नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने आए हैं, जैसे पहला पेपर आपका हिंदी है तो आप हिंदी भरेंगे। इसके बाद आप देखें एक और बार दिया हुआ है स्कूल का कोड एज पर एडमिट कार्ड, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका आपको यहाँ पर कोड लिखना है, ये एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। एक बार फिर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अपना रोल नंबर लिखना है और जो रोल नंबर आप लिखेंगे उसी के नीचे शब्दों में आपको लिखना है, जैसे एक, तीन के नीचे तीन, एक के नीचे एक, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे वन के नीचे यहाँ पर वन लिख सकते हो, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो लिख सकते हो, ठीक है। फिर अच्छा अगर आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर नीचे बताया भी गया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक मतलब जिस कमरे नंबर में आप बैठे हैं जहाँ पर आपका रोल नंबर है वो लिखना है, यहाँ पर उसके नीचे सेट लिखना है। इसके बाद आपको ये जगह जो दी हुई है यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होना है, यानी कि आपको यहाँ पर साइन करने हैं। यहाँ पर पर्यवेक्षक यानी जो आपके रूम में ड्यूटी करेगा वो टीचर साइन करेगा, इसलिए जहाँ पर केवल कैंडिडेट के साइन है वहीं साइन करें, इसके अलावा कहीं और साइन ना करें। साइन करते वक्त ध्यान रखें एडमिट कार्ड में जिस तरह का साइन आपने किया है पहले फॉर्म भरते वक्त उसी प्रकार का साइन आप करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। सभी को एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे।